हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। तो आज जो मुझे वर्स दिया गया है बोलने के लिए वो है श्रीमद् भागवत 1.2.10, जहाँ ये है, कामस्य न इंद्रिया प्रीति लाभ जीवते, यावत् जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थ यच्छा अह कर्म भी। तो इसका अनुवाद किया श्रील प्रभुपाद जी ने कि जीवन की इच्छाओं को कभी भी इंद्रिय संतुष्टि की ओर निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। किसी को केवल स्वस्थ जीवन या आत्म संरक्षण की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य परम सत्य के बारे में पूछताछ के लिए बना है। किसी के कार्यों का लक्ष्य कुछ और नहीं होना चाहिए। तो ये बताया गया है इस वर्ष में। तो इस वर्ष को अगर मैं अगर टोटैलिटी में देखना चाहूँ, मतलब पूर्ण रूप से देखना चाहूँ, तो मुझे पिछले वर्ष का भी थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछला वर्ष जो है ये कहता है कि सभी व्यावसायिक संलग्नता निश्चित रूप से परम मुक्ति के लिए है। मतलब सारे जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी है वो सिर्फ परम मुक्ति के लिए है, इन्हें कभी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा ऋषियों के अनुसार जो व्यक्ति परम व्यावसायिक सेवा में लगा हुआ है उसे कभी भी भौतिक लाभ का उपयोग इंद्र संतुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब ये पॉइंट हो रहा है कि हम जो भी कार्य करें वो मुक्ति के लिए होना चाहिए, कोई भी भौतिक लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। और अगले श्लोक में ये कहा जा रहा है कि हमें सिर्फ जितना जो भी चीज़ें हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए ग्रहण करनी चाहिए। तो ये वर्ड्स देखने में बहुत ही साधारण वर्ड्स लग रहा है कि चलो ये तो हम लोग हमेशा जानते हैं एज अ भक्त कि भोग नहीं करना है, भोग नहीं करना है, भोग नहीं करना है। पर इसका जो परपट, इसका जो इसको जो वर्ड्स पे कमेंट्री की है श्री वल्लभाचार्य ने और श्रील प्रभुपाद जी ने, मैं वल्लभाचार्य का कॉन्टेक्स्ट इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आप जब क्योंकि श्रीमद् भागवतम को बोला जाता है कि ये वेदांत सूत्र की भाष्य है, ठीक है, वेदांत सूत्र पर ये नेचुरल कमेंट्री है। तो अगर आप श्वेताश्वेत उपनिषद पढ़े 4.22, तो उसमें एक स्तुति है उपनिषद में कि हे भगवान, हमारे सारे मन के डिजायर को पूरा कीजिए। हमें मतलब हमारे ऑफेंसेस को नज़रअंदाज करते हुए हमारी जो ज़रूरत है, जैसे कि बच्चे की या लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ की या उच्च बड़े जीवन की, या हमारे जो कैटल है यानी जो गाय है बकरी है उसकी रक्षा करिए। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो है हमारे भक्ति में सहायता करती है। पर अब यहाँ पर तो शुद्ध भक्ति का निर्णय दिया जा रहा है 1.2.10, जहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन की जितनी ज़रूरतें हैं सिर्फ उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। और उपनिषद श्वेताश्वर उपनिषद में एक प्रार्थना आ रही है कि भगवान, हमारी जो बच्चों की लॉन्जिविटी ऑफ लाइफ की, बड़े जीवन की, और इस और जो हमारे पशु है जिससे हम जीवन निर्वाह करते हैं उन सबकी रक्षा करिए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या भागवत और उपनिषद एक दूसरे के विरोध में है? अगर विरोध में है तो हम इसे नेचुरल कमेंट्री क्यों माने? और माने तो फिर हमें एक तरफ कुछ और क्यों शिक्षा दी जा रही है और एक तरफ कुछ और शिक्षा क्यों दी जा रही है? आखिर सही निर्णय क्या है? विरोध क्या है और इसका निर्णय क्या होगा? तो देखिए, बहुत आसानी सी बात है, क्योंकि इसलिए मैं पॉइंट लाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन उठते रहता है कि कितना सेंस ग्रेटिफिकेशन सही है, कितना नहीं है, कितना नहीं है। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने अपने कमेंट्री में लिखा है कि श्रीमद् भागवत के इसी वर्ष पे, कि इसके और पिछले वर्ष को मिला के, कि सवाल ये उठता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार चीज़ें हैं। तो कहा जाता है कि जो पहले वो दूसरे का कारण है। जैसे धर्म से अर्थ आता है, अर्थ से मोक्ष, अर्थ से काम आती है, काम से मोक्ष आती है। लोग ऐसा समझते हैं या लोग सोचते भी नहीं है इस टॉपिक पर, ये टॉपिक नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल क्वेश्चन है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किससे किसको लीड कर रहा है और कौन क्या अंत में निर्णय दे रहा है, किससे क्या आ रहा है। तो वल्लभाचार्य ने बहुत अच्छा कमेंट्री करके ये प्रूफ किया है कि हम जो धार्मिक जो भी काम करते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेशनल ड्यूटी का जिक्र आया था इसके पहले वे श्लोक में 1.2.9 में,
तो इसलिए मैं ये सोचा कि मैं ये बताऊं कि जो भी मैंने पढ़ा है उसका पूरा मतलब क्या मेरा मानना है। और तो 1.2.9 का ये जैसे हम बोलते हैं कि एक हम बोला जाता है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि सारे के सारे वेद धर्म के मूल है। तो वल्लभाचार्य जी का कहना है कि धर्म से क्या अर्थ नहीं आता है, ठीक है, धर्म से अर्थ नहीं आता है, अर्थ कमा के हम धार्मिक कार्य करते हैं। क्योंकि अगर हम बोलेंगे धर्म से अर्थ आता है तो धार्मिक कार्य बहुत है वैदिक वेद में, जैसे कि कोई सैक्रिफाइस कर दो, कुछ आप कुछ दान दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ और भी कोई काम है, जैसे दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए भी कई तांत्रिक क्रियाएं हैं वो कर सकते हो। तो ये सब करके आपको अर्थ जो मिलता है मिल सकता है, पर ये इसको बल्लभाचार्य ने कहा कि ये लोअर नेचर का है, गौनी, उन्होंने संस्कृत वर्ड यूज़ किया कि गौन नेचर का है, गौनी, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि धर्मों साक्षात भगवान प्रणीता की, जो भगवान ही धर्म है, तो जो चीज़ हमें भगवान की तरफ ले जा रही है, जो राइटनेसनेस की तरफ ले जा रही है, राइटनेसनेस के लिए उपनिषद में वर्ड आता है रिदम, तो अगर जो उसके तरफ ले जा रही है तो वही सही है। उसके अलावा जो भी चीज़ें धार्मिक कार्य, जो ये सब चीज़ें दान वान, ये सब करके आपको जो अर्थ भी मिलता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत नग्न है। और वल्लभाचार्य ने एक और पॉइंट कहा है कि जो चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे दान देना या कुछ भी पंडाल, कुछ भी आयोजन करना, तो जो चीज़ दिखाई दे रहा है उसका उतना महत्व नहीं है। तो धर्म जो असली फल देता है वो दिखाई नहीं देता है, वो अप्रकट होता है। तो धर्म का जो असली फल होता है वो अप्रकट होता है। जो धर्म का फल जो दिखाई दे रहा है, चैरिटी करके या कुछ भी धार्मिक कार्य करके हम जो अर्थ कमा रहे हैं या अपना नाम कमा रहे हैं, वो सब उतना वैल्यूबल नहीं है, वो सब का उतना वैल्यू नहीं है शास्त्रों में और भगवान के नज़र में। क्योंकि वो तो लोग को दिख गया ना, वो लोग को दिख गया, आपका नाम हो गया, कुछ हो गया, आपको बहुत बड़ा कंसिडर किया गया या कुछ भी किया गया, जो अल्टीमेटली आपकी सेंस ग्रेटिफिकेशन को बाद में बढ़ा देगा, जो अगला वर्स है जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपने पर्पट में एक्सप्लेन किया हुआ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने वल्लभाचार्य का उदाहरण दिया है कि, और कोई भी, हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी वैष्णवाचार्य एक दूसरे के विरोध में नहीं है। विरोध में जो है उस पर भी मैं आऊँगा, जिसको श्रील प्रभुपाद ने अपने अगले परपट में ही समझाया कि कौन से लोग विरोध में हैं हमारे। कोई भी वैष्णवाचार्य जो कोर कॉन्सेप्ट समझा रहा है भक्ति का, वो विरोध नहीं है। तो फिलॉसफी में थोड़ा जो आप जूम इन करके देखिएगा तो हाँ, किसकी पूजा करनी है, कैसे करनी है, ये वो सब में डिफ्रेंसेस होते हैं, पर जो कोर फिलॉसफी है वैराग्य का, भक्ति का, स्टेप्स का, उसमें बहुत हद तक सिमिलैरिटी रहती है। तो हमें अलग अलग लोगों से, अलग अलग आचार्यों से पढ़ के हम अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, ताकि कोई भी विपत्ति वाली स्थिति में हम अपनी आत्मरक्षा कर पाए। क्योंकि चाणक्य नीति में लिखा गया, नीति शास्त्रों में लिखा गया कि ज्ञान ही आपकी बुरे वक्त में रक्षा करता है। और जो ज्ञानी होता है, जो भक्त, जिसको भक्त का, जो भी भक्त को ज्ञान होता है, वो हर जगह पूजा जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो अब इसके बाद अगला क्वेश्चन उठता है कि चलो कि धर्म से अर्थ नहीं आया, तो अब अगला क्वेश्चन है कि मैंने जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जी का एक किताब पढ़ रहा था, तो उसमें भी एक धर्मशास्त्र से कोटेशन था कि धार्मिक कार्य करके पैसे नहीं कमाने चाहिए। जैसे आयुर्वेद से आप किसी का उपचार कर रहे हैं तो पैसे नहीं लेना चाहिए, एस्ट्रोलॉजी करके भी अगर आप पैसा नहीं कमा सकते, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया कि भाई ऐसा क्यों, धार्मिक कार्य करके पैसे कमाने में क्या दिक्कत है, मतलब अच्छा ही है, धर्म का पालन कर रहे हैं, साथ साथ पैसा भी आ रहा है, और फिर धर्म करेंगे। और फिर मैंने फिर ऐसे ही एक दिन वीडियो देख रहा था अमोघलीला प्रभु जी के द्वारा जयपाता का स्वामी महाराज के ऊपर, तो उनके दिखा रहा था कि उन्होंने बता रहे थे कि मायापुर में जब मंदिर बन रहा था तो जयपाता का स्वामी महाराज कैसे संघर्ष कर रहे थे, कोई एक बाढ़ में जाके काम भी कर रहे थे, फिर जितना भी पैसा आता था सारा डोनेशन कर देते थे। तो फिर मैं सोच रहा था कि बाहर में जाके क्यों नौकरी कर रहे हैं, तो शीला प्रभुपाद जी ने क्यों नहीं मना किया, ऐसे वैसे करके मैं सोच रहा था कि ये सब चीज़ तो ख़राब बात है, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि ख़राब ढंग से पैसा कमाने का ये तरीका हुआ। पर यही जो कन्फ्यूज़न है श्री वल्लभाचार्य ने अपने इस परपट में क्लियर किया है कि धर्म जो हम अर्थ कमाते हैं उसको हम धर्म में लगा सकते हैं, धार्मिक कार्यों में।
और वो ऐसे लगाए कि जैसे किसी को ज़्यादा आपका प्रसिद्धि नहीं हो, जैसे दान हुआ तो अपना नाम नहीं लिखवाओ, वैसे करके कर सकते हो तो चलो ठीक है, क्यों कि जो अर्थ कमाते हैं उसको हम धर्म में लगाना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने बोला कि जो भी कमाए तो उसका 50% दान दे। तो अब यहाँ पर क्या है कि दान दे तो हम जो अर्थ कमा रहे उससे धर्म कर रहे हैं, ये नहीं कि धर्म से अर्थ कमा रहे। तो नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागवत कथा करते हैं, भागवतम क्लास भगवत गीता करते हैं, वो पैसे लेके पढ़ाते हैं, तो ये करना गलत है। गलत किस लिए है, क्योंकि आज मुझे आज मतलब मैं बोलना चाहूँगा इस वर्ष के थ्रू मुझे समझ में आ रहा है, और इस वर्ष के थ्रू आचार्यों के वचनों के द्वारा मुझे समझ में आ रहा है कि गलत है तो गलत क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है और इसका डीप एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसका डीप एक्सप्लेनेशन वल्लभाचार्य जी ने अपने पर्पट में लिखा है, बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया है इस पर, और ये कन्फ्यूज़न होगा अगर आप बहुत डीपली सोचें। तो वल्लभाचार्य का निर्णय है कि जो हम ये काम भी करते, ये अब अर्थ और धन का हो गया तो अब आता है काम। काम मतलब काम आप डायरेक्टली अर्थ से पूरा नहीं कर सकते, अर्थ मतलब पैसा कमा के आप डायरेक्टली अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। अगर आपको किसी से शादी करनी है तो लड़की ढूंढनी पड़ेगी, अगर आपको कुछ खाना खाना है तो खाना बनाना पड़ेगा, तो बीच में ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं जिसके थ्रू आप अपने डिज़ायर पूरा करते हो, जिसके थ्रू अपने आप इच्छाएँ पूरे करती हो। तो आपके डायरेक्टली इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। तो अब क्या होता है, तो यहाँ जो कामस्य आया है ना, अब इसी में बहुत बड़ा पॉइंट आता है। तो 1.2.110 में जो कामस्य वर्ड आया है, ये संस्कृत का छठी विभक्ति का एक वचन है। तो ये दिखा रहा है जो डिज़ायर जो लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशन में हो, उसी को पूरा करना चाहिए। तो इसलिए वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि जो भी आपके डिज़ायर है इच्छाएं हैं उसको, जैसे जिंदा रहने की इच्छा, ठीक है, प्यास बुझाने की इच्छा, तो अगर ये इच्छाएं आपकी पूरी हुई तब आप पैसे कमा सकते हो, फिर वो पैसे कमा के आप ये कर सकते हो, धर्म को पालन कर सकते हो, फिर धर्म जब आप सीख लोगे, धार्मिक जब आपकी चेतना होगी, जब आपकी इंद्रिय कंट्रोल में रहेंगी, तब आप जाके मोक्ष के बारे में, यहाँ तो हम लोग तो मोक्ष नहीं मांगते, हमारे मुँह से मोक्ष नहीं निकलता, मोक्ष मतलब हमारे प्रेम, कृष्ण प्रेम, तब हम कृष्ण प्रेम का विचार कर सकते हैं। तो श्री वल्लभाचार्य जी का मत है कि पहले काम आता है, फिर धर्म आता है, नहीं पहले काम आता है, फिर अर्थ आता है, फिर धर्म, फिर मोक्ष। तो ऐसी सीढ़ियाँ होती है जिसके थ्रू हम अंत में मोक्ष तक पहुँच सकते हैं, यानी कृष्ण प्रेम, मोक्ष मतलब कृष्ण प्रेम। तो अब इसका उदाहरण तो उपनिषद में भी आया, जैसे ईशा उपनिषद में आया कि हमें उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितना हमारा कोटा में रख दिया गया है नेचर के द्वारा। अब इस चीज़ को समझाते हैं हमारे आचार्य, उपनिषद में तो सिंपल स्टेटमेंट लिख दिया गया, और दूसरी तरफ उपनिषद, जैसे मैंने श्वेता सर उपनिषद का जैसे 4 पॉइंट जो मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया था, तो इसी से शुरू किया था, श्वेता सर उपनिषद जो मैंने बताया था 4.22, तो इसी से मैंने शुरू किया था, जहाँ प्रेयर हो रही है कि हमारे बच्चों को, हमारे जीवन को, हमारे और इसको क्या बोलते हैं, हमारे जो भी कैटल है, यानी जो भी गाय है, घोड़े हैं, उनकी रक्षा करिए, क्योंकि ये भक्ति में सहायक होती है। अब देखिए क्या है ना कि उपनिषद में भी भक्ति का बहुत गुणगान गाया गया है, ऐसा नहीं है कि उपनिषद में कुछ और ज्ञान दिया हुआ है, और भागवत में, भागवत उसको जूम इन करके बताती है, सरल शब्दों में रखती है, उपनिषद बस थोड़ा जटिल संस्कृत में है, थोड़ा घुमा के है, पर संदेश दोनों का एक ही है। तो अब देख रहे ईशा उपनिषद बोल रही है कि भाई कम से कम कोटा में जियो, जितना तुम्हारा रख दिया गया उसके हिसाब से जियो, भागवत के वर्ष भी यही कह रही है, पर श्वेता सर उपनिषद में दूसरी बात कही गई, तो कन्फ्यूज़न आ सकता है। तो कन्फ्यूज़न को रिजॉल्व किया है आचार्यों ने कि अगर आप ज़्यादा कमा भी ले रहे हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कमाई को आप धर्म के कार्यों में लगाओ, फिर मोक्ष में जाओ। और फिर इसी को समझाते हुए श्रील प्रभुपाद जी ने भी एक लेटर लिखा था रूपानुगा जी को बॉम्बे को 18 दिसंबर 1974। तो इसमें प्रभुपाद जी ये कहते हैं कि सो डेवलप दिस फार्म कम्युनिटी एज फार एज पॉसिबल, दे शुड बी डेवलप एज एन आइडल सोसाइटी डिपेंडिंग ऑन अ नेचुरल प्रोडक्ट्स नॉट इंडस्ट्री। तो इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें जो फार्म कम्युनिटी बनानी चाहिए, हमें वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये
ये जो भी वर्णाश्रम धर्म बनेगा, जो वैदिक पद्धति के आधार पर होगा, वो नेचुरल प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट होगा। नेचुरल प्रोडक्ट मतलब जो संसार से हमें जो प्रकृति से प्राप्त हो रहा है उस पर डिपेंडेंट होंगे, नहीं हम इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट होंगे। भोग वासना हमारी क्यों जाग रही है? क्योंकि हमारी इच्छाएँ बहुत है, और इच्छा होने का बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे सामने आँखों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुले हुए। अगर वो ऑप्शंस नहीं रहे, जो हम सिंपल नेचर पर डिपेंडेंट रहे, ठीक है, थ्योरेटिकल तो हम बोल देंगे कि उतना रखो जितना अपना कोटा में, पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होगा? बोल देने से नहीं होगा ना। अगर आपके पास ऑप्शन कम रहेंगी तब आप कम सेलेक्ट करोगे, और कम सेलेक्ट करने के लिए नेचुरली अगर आप रहोगे फॉरेस्ट को सत्वगुण में माना जाता है, सिटी को रजोगुण में और माना जाता है, तो हमें फॉरेस्ट में रहेंगे तो जब सत्वगुण में रहेंगे तो भाई फॉरेस्ट मतलब पूरा ये नहीं कि जंगल में, पर वन आश्रम धर्म सही से डेवलप किया जा सकता है, तो उसमें हम अपना क्या बोलते हैं सही से रह सकते हैं, नेचुरली रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, और इसमें इसमें हमारा ये आता है, अब श्रील प्रभुपाद जी ने जो लिखा है अपने अनुवाद में तात्पर्य में, पूरी तरह से भ्रमित भौतिक सभ्यता इंद्रिय संतुष्टि में इच्छाओं की पूर्ति की ओर गलत तरीके से निर्देशित है। निर्देशित गलत तरीके से क्यों है, मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी का जो ये एक लाइन है उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए भागवत का दूसरा कोटेशंस भी दूंगा। खैर मैं उस दूसरा वर्ष का कोटेशन दूंगा, पर मैं उस पर ज़्यादा बोलूँगा नहीं क्योंकि वो वर्ष हमारा टॉपिक नहीं है आज का, पर उसको जानना ज़रूरी है एक वर्ष को समझने के लिए। तो वो जो वर्ष है वो है 3.25.32। तो यहाँ पर है लॉर्ड कपिल बोल रहे हैं कि सेंसेस आर अ सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमीगॉड्स एंड देयर नेचुरल इंक्लेशन इज टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द वैदिक इंजंक्शन एंड द सेंसेस आर रिप्रेजेंटेटिव डेमीगॉड्स और द माइंड इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉडहेड। ठीक है, तो जो सेंसेस होते हैं, जो हमारे होते सेंसेस होते हैं, जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो देवी देवताओं के द्वारा कंट्रोल है। तो धर्मशास्त्रों में कहा गया 18 देवी देवता हमारे शरीर में वास करते हैं, जैसे सूर्य आँखों को कंट्रोल करता है, माइंड को बोला जाता है उपनिषद में, छांडोग्य उपनिषद में बोला गया, बृहदारण्यक के उपनिषद में बोला गया, और बृहस्पतिशास्त्र और शास्त्र में जो एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट है उसमें भी बोला गया है कि माइंड को मून कंट्रोल करता है। पर इसी भागवत के श्लोक में जो 3.25.32 है इसमें जो उदाहरण दिया गया है कि ये जो कंट्रोल है माइंड का भगवान करते हैं और जो सेंस ऑर्गन है वो डेमी गॉड्स करते हैं। तो हम वेदों में पाते हैं अनेक स्तुतियाँ जो देवी देवताओं को भी रिप्रेजेंट करती है, हालांकि वो इनडायरेक्टली भगवान को ही करती है, क्योंकि बृहदारण्यक के उपनिषद में फिर एक उदाहरण आता है जहाँ भगवान बोलते हैं कि आई एम लाइक टू बी कॉल्ड इनडायरेक्टली बाई डिफरेंट नेम्स, और भागवत में भी इसका कोटेशन है। तो खैर अगर मान भी ले कि देवी देवताओं की स्तुति की गई है, तो यहाँ कहा गया है कि पूरी तरह से भ्रमित भौतिक सभ्यता इंद्रिय संतुष्टि में इच्छाओं की पूर्ति की ओर गलत तरीके से निर्देशित है, क्योंकि जो धर्म हमारा स्वभाव है धर्म को नेचुरली फॉलो करना, पर हम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे, तो धर्म जो सेंसेस को कंट्रोल करती है, यानी हम देवी देवताओं को बात नहीं मान रहे, वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं कर रहे, तो गलत तरीके से निर्देशित हो रही है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में अंतिम लक्ष्य इंद्र संतुष्टि हो जाता है, क्योंकि अब एक बार आप पाप में लग गए तो वही आपका स्वभाव बन जाता है, स्वभाव अध्यात्म उचित है, जो आप बार बार रिपीट करते जाते हो वही आपका स्वभाव बनते जाता है, तो आप गलत तरीके से सभी क्षेत्रों में चले जाते हो। तो सारे जो चीज़ है राजनीति समाज सेवा सब में इंद्र तृप्ति ही आपका अंतिम भाव रह जाता है, और राजनीति क्षेत्र में तो आप जानते ही हो न राजनेता को कोई मतलब है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, कोई भी हो उसको कोई देश से मतलब नहीं है, और समाज को भी मतलब नहीं है। ठीक है, इसका अगर कोई डाउट हो तो श्रीमद् भागवत में कोटेशन आता है कि कलयुग के सारे वैसे ही होंगे, तो हमें इमोशन बह के नहीं बोलना चाहिए कि वो अच्छा है, सारे के सारे वैसे ही हैं। अगर ये नहीं है तो भाई भागवत गलत है, और भागवत गलत है तो भाई फिर भागवत पर क्यों रहे। तो जैसे ही मतदाता अपने इंद्र संतुष्टि संतुष्ट होता है वे नेताओं के गद्दी से उतार देते हैं, और यही बात सही है, तो नेता सदैव मतदाताओं की भावनाओं को संतुष्ट न करके उन्हें निराश करते रहते हैं, और हम लोग निराश हैं ही, स्पेशली यूथ। और यहाँ तक कि जो लोग मोक्ष के मार्ग पर है वे भी परम सत्य के साथ एक होने की इच्छा रखते हैं। तो जो मैंने शुरुआत की थी कि सारे वैष्णवाचार्यों का एक मत है बस कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी को छोड़ के, तो वो सेक्शन जो श्रील प्रभुपाद बिना नाम लिए बोले वो मायावादी है। अब मैं मायावादी के ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि इस पर मैं चला गया तो फिर ख़त्म नहीं कर पाऊँगा अपना जो भी वक्तव्य है, कि मायावादी ऐसा टॉपिक है जिस पर जितना भी बोला जाए इनको, जितने भी अभद्र भाषा नहीं, जितना भी इनका विरोध किया जाए वो कम है।
क्योंकि ये इन शंकराचार्य ने कहा है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म जीवो ब्रह्म ना परा, जीव और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है, यानी भगवान और भगवान जीव में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा सिद्धांत कोई पढ़ेगा तो उसका तो भाई इंद्र भोग नंबर वन स्थिति में जाएगा ना, अध्यात्म के रास्ते से उसका इंद्र भोग सबसे ऊपर लेवल का होगा, क्योंकि ऑल इंजॉयर क्या है, भोक्ता राम यज्ञ तपस्या कौन है, भगवान कृष्ण है, और इनका कंक्लूजन है कि भाई तुम ही भगवान हो, तो भाई तुम ही भगवान हो तो तुम्हारा इंजॉयमेंट में सबसे मेयर मैक्सिमम हुआ। तो ये अध्यात्म के थ्रू सेंस ग्रेटिफिकेशन करना, ये मायावाद आपको रास्ता देता है। इसीलिए भारत में अगर भक्ति फैलाना तो सबसे पहले मायावाद को काटना होगा, क्योंकि ये जब तक रहेंगे आचार्य प्रसाद विवेकानंद ये लोग के रूप में, शंकराचार्य पूरी शंकराचार्य के रूप में रहेंगे, ये बढ़ने नहीं देंगे भक्ति के मूवमेंट में, ये सारे लोग आपके विरोध में ही रहेंगे, क्योंकि इनको फिर भोग करने का फिर दूसरा तरीका नहीं है, वो तो अब सामाजिक जो कार्य में उसमें जा नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने आध्यात्मिक का चोला पहन लिया, अब आध्यात्मिक का चोला पहन लिया तो भोग तो करना ही है, भोग करना है तो भाई मायावाद पालन करेंगे, और मायावाद का कट्टर विरोधी है वैष्णव, वैष्णव का हर भाष शुरू होता है मायावाद को काट कहीं, और खत्म भी होता है मायावाद को काट कहीं, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना है, इसके एक निश्चित मात्रा में संतुष्टि की भी आवश्यकता होती है, ऐसे इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नियामक दिशा निर्देश है, लेकिन इंद्रिया अप्रथम ही है, हाँ आनंद के लिए नहीं है, क्योंकि आनंद के सागर भगवान है, आनंद व्यो भ्यासा वेदांत सूत्र का ये सूत्र है कि आनंद मयो, तैतृय उपनिषद में भी आता है, उसको एक्सप्लेन करते हुए सूत्र कहा गया वेदांत सूत्र में कि आनंद में भगवान है, रसो वही सा, तैतृय उपनिषद का फिर से ये वर्ष है कि भगवान रस के सागर है, तो जीवन जीव आनंद नहीं ले सकता है पूरी तरह से अगर वो धार्मिक नियमों को पालन करे, जैसे मैंने पहले बताया भागवत का 3.32 कोट करके कि अगर धर्म के नियमों का पालन करे तो भाई वो संतुष्ट हो सकता है, संतुष्ट होकर आनंद प्राप्त कर सकता है। परम सत की साधक कभी भी इन तृप्ति में अनावश्यक व्यवस्थाओं से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज करने वाले गंभीर छात्र हमेशा सत्य के शोध के कार्य से अभिभूत रहते हैं। यहाँ सत्य के शोध कार्य बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो श्रील प्रभुपाद ला रहे पटपट में, कि अगर इसीलिए मैं बोलता भी हूँ बहुत और खुद भी डिफरेंट डिफरेंट किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये कोई पागलपन नहीं है, पागलपन वो होता है जब हम किताबें नहीं पढ़ना चाहते, पागलपन वो होता है जब हम भक्ति आके भी भक्ति नहीं करना चाहते, क्योंकि प्रभुपाद अपने किताबों में लिख रहे हैं कि शोध करो, शोध जितना हो सके करो, अगर आपका दिमाग किताबों में नहीं रहेगा, ग्रंथों में नहीं रहेगा, तो आपका दिमाग बाहर रहेगा, बाहर के समाज को एनालाइज करोगे, एनालाइज करोगे तो अंत में भोग ही करोगे। इसलिए फिलोसफिकली हमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट किताबें पढ़नी चाहिए, अपने आचार्यों की, पूर्व आचार्यों की, डिफरेंट आचार्यों की किताबें पढ़नी चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका दिमाग इंगेज रहेगा, दिमाग इंगेज रहेगा तो एटलीस्ट इतना तो होगा ना, आपको समझ में आए ना आए, एटलीस्ट आप गलत रास्ते में नहीं जाओगे, क्योंकि आप खुद से ही अपना ऑप्शन कट कर दोगे, और शास्त्र पढ़ोगे, धार्मिक कार्यों में लगोगे, जैसे पहला प्रभुपाद जी के पटपट में शुरू हुआ था, तो आप सही कार्य करोगे। इसलिए जीवन के हर क्षेत्र में अंतिम लक्ष्य परम सत्य की खोज करना होगा, और इस प्रकार की व्यवस्था से व्यक्ति खुश होगा, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के इंद्रिय संतुष्टि में कम संलग्न होगा, और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या इस प्रकार की गई है। यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर परम सत्य की खोज में अगर लगा रहेगा तो वो आदमी खुश रहेगा, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जैसे वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है, तो इसलिए बोल रहा है कि खुश रहना भी है तो खोज करो, फिलोसफिकली खोज करो, आप आचार्यों की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, उनसे ज्ञान लो, ज्ञान से भक्ति करो, तब आप खुश रहोगे, नहीं तो अगर आप दुनिया में दिमाग लगाओगे, शास्त्रों में दिमाग नहीं लगाओगे, तो भाई आप तो गोलोक धाम नहीं जा रहे हो। तो यही मैं आज के इस वर्ष पर कहना चाहूँगा, आशा करता हूँ आप लोग को अच्छा लगा हो। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।